स्टॉक, जहां पर इनफैक्ट रिसेंटली लिस्टेड या फिर पिछले साल की कुछ चर्चित आईपीओज में आज आप काफी नेगेटिव एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। जोमैटो को पुल अप करिए, इसका लिस्टिंग डे प्राइस 115 का था, एक बड़े ही प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था क्योंकि इशू प्राइस 76 का था, तो उसके सामने 115 पर लिस्ट हुआ। उसके बाद दमदार रैली आई, 170 तक के हाई तक गया, वहां से 30% नीचे है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आज अपने लिस्टिंग प्राइस 115 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। तो जोमैटो में एक बहुत ही तेज रिवर्सल होते हुए दिखा है। पेटीएम लाइफ लो पर ट्रेड कर रहा है, खैर पेटीएम के तो काफी टाइम से परेशानी चली रही है, बाजार का भरोसा नहीं है, 900 तक के भी अब टारगेट इस काउंटर पर आ गए, बट जोमैटो पर बड़ा कट आया है पिछले कुछ समय में। कुणाल जी, कोई राय जोमैटो के चार्ट पर, लिस्टिंग डे प्राइस के भी नीचे आते हुए दिख रहा है इस समय काउंटर? देखिए, एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। इस स्टॉक ने 124.25 के एक अहम सपोर्ट को ब्रेक किया है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर देखिए बिल्कुल अगर मुझे नहीं लगता कि तुरंत रिकवरी देखने को मिलेगी, और क्योंकि चार्ट बहुत सीमित है नीचे के लेवल्स दे पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहां पर जो ये सेल ऑफ आज देखने को मिल रहा है इसको और नीचे ले जा सकता है, तो बहुत एहतियात रखना चाहिए। अगर आपके पास पोजिशन है तो एक बार के लिए निकल आए, किसी उछाल में वो ज्यादा बेहतर रहेगा।